तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज मेरे पास आ गई ये बहुत ही ज्यादा बुरी खबर। मैं जैसे ही आज सुबह में उठा ना, मेरे को मालूम चल रहा है कि हमारे सिटी में जो हमारा समुद्र है ना दोस्तों, वही समुद्र जहां हम लोग रोज जाते हैं मजे करने के लिए, लेकिन दोस्तों अब हम वहां पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहां से एक आ गया है सायरन हेड। हाँ दोस्तों, ये सायरन हेड इतना ज्यादा खतरनाक है कि मैं देख के एक बार में जब इसे देखा था ना पहली बार में, तभी डर गया। क्योंकि जैसे ही हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में कदम रखा है, तभी जाकर हमारे कार शोरूम के सारे के सारे कार को ब्लास्ट कर दिया है। और दोस्तों इतना ही नहीं, सबसे बुरा काम तो ये तब किया, तब ये हमारे पुलिस स्टेशन में जाके हमारे सारे पुलिस को मार दिया और उनके कार को ब्लास्ट कर दिया। मतलब कि बहुत सारे पुलिस उसके पीछे पड़े हुए थे उसे पकड़ने के चक्कर में, लेकिन पुलिस उसे नहीं पकड़ पाए और वो सारे के सारे पुलिस को मार भी दिया भाई। तो अभी ये सायरन हेड फिर से चला गया है वो समुद्र के अंदर। मतलब अभी मेरे पास है एक दिन का टाइम, क्योंकि वो रात को फिर से निकलेगा ऐसे सुनने में आ रहा है। मैंने न्यूज में भी देखा था कि वो रात को फिर से निकलेगा, तो मेरे पास है एक दिन का टाइम। और भाई मेरे को पुलिस का कॉल आया था और उन्होंने बोला था कि उन्होंने एक प्लान बनाया है इस सायरन हेड को पकड़ने के लिए, और इस सायरन हेड को पकड़ने के लिए मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास, क्योंकि उनका प्लान भी तो सुनना होगा मेरे को। पहले मैं अपने लाली को भी ले लेता हूँ, और लाली को भाई नहीं लिया तो भाई वो तो डर जाएगा ना, क्योंकि उसने भी जान लिया है कि भाई सायरन हेड हमारे एरिया में आ चुका है। लाली, वो जो सायरन हेड आया है वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या मुझे भी वो नहीं छुड़ेगा और हम सब अब नहीं बचेंगे। अरे यार लाली, तू चिंता मत कर, मैं जा रहा हूँ अभी। हम दोनों जाएंगे और जाके पुलिस का प्लान सुनेंगे और जल्दी से उस प्लान पे वर्क करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास एक दिन का टाइम है और उस सायरन हेड से लड़ने के लिए। तो जल्दी से चल पुलिस स्टेशन के पास। तो लाली ये देख, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कम पुलिस भी लग रही है, लगता है बहुत सारे पुलिस को उसने मार दिया है। मैं जल्दी से जाके अंदर सर से बात करके आता हूँ। तो सुनो वाले जी, तुमको हम लोग बता दे रहे हैं कि यहाँ पे आ गया है सायरन हेड, और तुमको हम लोग ने इसलिए बुलाया है कि तुम हमारी हेल्प कर पाओ। हमारा प्लान सुनो, हमारा प्लान ये है कि हमारे पुलिस स्टेशन के सामने अभी सेफ्टी चाहिए, क्योंकि वो सायरन हेड बहुत ज्यादा खतरनाक है और हमें हराने के लिए पहले अपने आप को सेफ करना पड़ेगा। तो सेफ करने के लिए तुमको बहुत सारे जैसे भी हमारे पुलिस स्टेशन के सामने लगाने होंगे। हम लोग अभी डिसाइड किए हैं कि जुरासिक पार्क को अभी हम लोग को बचाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सायरन हेड है वो समुद्र में अभी गया है। अगर वो जुरासिक पार्क में घुस गया तो बहुत सारे डायनासोर को खा जाए, इसलिए तुम जाओगे और वहां पे जाके हमारे पुलिस फौज के साथ जाके वहां पे टैंक का भी व्यवस्था करोगे। जैसे ही वो सायरन हेड जुरासिक पार्क की ओर बढ़ेगा, हम लोग सब कोई मिलके उसे मारने लगेंगे, उसे खत्म कर देंगे। सर जी, आपका प्लान बहुत ही ज्यादा सही है और मैं इस प्लान को कंप्लीट करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करूंगा। तो सर जी मैं जाता हूँ जल्दी से आपके पूरा पुलिस स्टेशन के सामने, जेसीबी को खड़ा कर देता हूँ। उसके बाद मैं और मेरे लाली मिलके जाएंगे जुरासिक पार्क में, बहुत सारे टैंक को लगाना है। जी आप लोगों ने तो बहुत ज्यादा सही बोला कि उस जुरासिक पार्क को हम लोग को बचाना पड़ेगा, क्योंकि उस जुरासिक पार्क में बहुत मासूम जानवर रहते हैं। तो सायरन हेड वहाँ चला गया तो वो तो बहुत सारे जानवरों को खा जाएगा। मालिक, आपको प्लान समझ में आया क्या? अरे हाँ लाली, मेरे को प्लान समझ में आ गया है। और लाली देख, यहाँ पे आवाज कैसी आ रही है, जल्दी से हमें यहाँ पे जेसीबी लगाना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से जेसीबी लगाता हूँ, उसके बाद तेरे से मिलता हूँ। तो यहाँ से कहीं जाना मत, मैं जल्दी से जेसीबी लगा के आता हूँ पुलिस स्टेशन के बाहर। पहली बार मैं तो बहुत सारे जेसीबी यहाँ पे लगा दिया हूँ, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जल्दी से लाली को बुलाता हूँ और लाली को बुला के जल्दी से ये सब दिखाता हूँ, और जुरासिक पार्क भी मेरे को जाना है भाई। वाह मालिक, आपने तो बहुत ही मस्त काम किया है। मालिक अब जल्दी से हम लोग को लगता है जुरासिक पार्क जाना पड़ेगा, क्योंकि जुरासिक पार्क को भी तो सेव करना है हम लोग को टैंक लगा के। लाली तू बहुत ज्यादा सही बोल रहा है। और लाली ये जेसीबी कैसा लग रहा है? वो तो भाई सायरन हेड आएगा तो इसे डर से ही भाग जाएगा, क्योंकि सायरन हेड इस जेसीबी को ब्लास्ट शायद नहीं कर पाएगा। हाँ मालिक, चलो मैं आपको जल्दी से लेके चलता हूँ जुरासिक पार्क। आपने सही बोला और आपने बहुत ही ज्यादा मस्त काम किया है। मालिक, पुलिस की फौज क्या जुरासिक पार्क में होगी? हाँ लाली, पुलिस की फौज जुरासिक पार्क के बाहर ही घूम रही है, और हम लोग जाएंगे, बस टैंक लगाना है और हम लोग को वापस आ जाना है, क्योंकि रात भी होने वाली है ना। वाह मालिक, ये देखो यहाँ पे तो पुलिस ने पहले से ही यहाँ पे काम करके रखा है, और पुलिस ने यहाँ पे लगता। अरे मालिक ये देखो, पुलिस मेरे को ठोक दी, लेकिन मालिक मेरे को कुछ नहीं होगा। अरे हाँ हाँ लाली, तेरे को कुछ नहीं होगा। अरे ये मेरा लाली है, और लाली को क्यों ठोक रहे हो आप लोग? अरे गलती से हो गया भाई, चल कोई बात नहीं, तू एलर्जी है ना? अरे हाँ हाँ मैं एलर्जी हूँ, और आप लोग का हेल्प करने के लिए आया हूँ। वो सायरन हेड सबके नाक में दम करके रखा है और हमारे सिटी में कैसे आया, मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, चल तू हमारे साथ है, लेकिन तू जल्दी से अब घर जा, क्योंकि हमें अपना काम करने दे। ठीक है सर जी, मैं जा रहा हूँ। हाँ ये देखो, ये पुलिस वाले मेरे को रोकने के लिए जेसीबी लगाए हैं और अपने पुलिस स्टेशन को मेरे से बचाएंगे। अब तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, ये ले सारे के सारे जेसीबी ब्लास्ट कर दूंगा, इन्हें तो छोड़ूंगा भी नहीं। अब देखो मैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के सिटी को क्या करता हूँ। मेरा नाम सायरन हेड है, किसी को नहीं छोड़ूंगा।
हाँ तो गाइस, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि भाई अलीजी भाई पुलिस के साथ मिलकर जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं इस सायरन हेड को हराने के लिए, लेकिन ये सायरन हेड इतना ज्यादा ताकतवर है कि भाई जेसीबी को भी ब्लास्ट कर दे रहा है। तो दोस्तों आगे क्या हुआ अगर आप लोग को देखना है तो ये पार्ट वन था, पार्ट टू बहुत ही जल्दी आएगा अगर आप लोग कमेंट करती हो तो। जल्दी से पार्ट टू के लिए कमेंट करो। चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।